तो वहीं पेरू में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसके बाद सुनामी आने का खतरा भी अब मंडरा रहा है। अतिकीपा जिले से 8.8 किलोमीटर दूर भूकंप आने के तुरंत बाद यूएसजीएस ने तीव्रता की रेटिंग भी बढ़ा दी। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि शुक्रवार को मध्य पेरू के तट पर 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी लहरें उठने की संभावना है। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने पहले ही कहा था कि कोई खतरा नहीं है। वहीं भूकंप आने के बाद चेतावनी दी है कि कुछ समुद्री तटों पर 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भूकंप शुक्रवार को सुबह ठीक 11:06 पर आया। इससे पहले पेरू में 16 जून को 5.9 तीव्रता का भूकंप भी आया था। दरअसल दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू आज शुक्रवार को फिर एक बार भूकंप के तेज झटकों से थर्रा उठा। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप का केंद्र पेरू के अतिकीपा जिले से 8 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। फिलहाल इस खतरनाक भूकंप के बाद पेरू में कितना जानमाल का नुकसान हुआ है, इसके बारे में सरकार की तरफ से आधिकारिक सूचना अभी नहीं दी गई है, लेकिन सुनामी को लेकर अलर्ट जरूर जारी किया गया है।